मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी कार्तिकेय सिंह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल कार्तिकेय अपने परिवार से पूरे 9 साल 3 महीने बाद मिले। उन्होंने अपने माता पिता की भावुक मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। अपनी मां की गोद में लेटे हुए फोटो शेयर करते हुए कार्तिकेय सिंह ने लिखा, एक अरसे बाद जब माँ से मिला, लगा दुनिया की भीड़ में जन्नत का रास्ता मिल गया। मानो बचपन में खोया मैं कहीं, फिर अहिस्ता से आपके पल्लू का छोर मिल गया। कार्तिकेय पहली बार तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में मुंबई इंडियंस ने मोहम्मद अरशद खान की जगह अपनी टीम में शामिल किया था। बताया जाता है कि आईपीएल के 15वें सीजन के लिए जब नीलामी हुई उस वक्त कार्तिकेय का कोई खरीदार नहीं मिला था। हालांकि वो समय भी आया जब 20 लाख के बेस प्राइस में नीलामी के बाद उन्हें इस लीग में खेलने का मौका मिल गया। कार्तिकेय सिंह का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। बाएं हाथ के स्पिनर ने क्रिकेट की दुनिया में अपना सिक्का जमाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। इस दौरान लगभग 9 सालों तक वो अपने घर भी नहीं गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिकेय रणजी ट्रॉफी 2021-22 सीजन में दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं। इसमें उन्होंने 11 पारियों में 3 बार 5 विकेट लेते हुए कुल 32 विकेट चटकाए। इससे पहले उन्हें 2018 में रणजी के लिए चुना गया था। 24 वर्षीय गेंदबाज कार्तिकेय ने कहा कि मेरे पास घर जाने का समय था, लेकिन जब मेरे पापा ने आखिरी बार बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अब तुम चले गए हो, कुछ हासिल करो और तभी वापस आना। मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, हाँ। हाँ मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं कुछ हासिल करने के बाद ही घर जाना चाहता था। आपको बता दें कि क्रिकेट के लिए कार्तिकेय महज 15 साल की उम्र में अपने होम टाउन कानपुर को छोड़कर दिल्ली आ गए थे। कार्तिकेय ने पैसों की तंगी के बावजूद कभी भी अपने माता पिता से मदद नहीं मांगी। कार्तिकेय को पैसे की इतनी तंगी थी कि उन्हें गाजियाबाद में मजदूरी करनी पड़ी। कार्तिकेय सिंह क्रिकेट अकेडमी से लगभग 80 किलोमीटर दूर मजदूरी करने जाते थे। इस दौरान वो कई कई किलोमीटर पैदल भी चलते थे ताकि बिस्कुट खाने के लिए वो 10 रुपए बचा सके। इस बीच फैक्ट्री के पास से ही उन्होंने एक जगह मिल गई थी। वो रात में फैक्ट्री में काम करते थे और दिन में क्रिकेट खेलते थे। न्यूज डेस्क, जनहित टाइम्स।